किसानों की एक बार फिर से महापंचायत देखने को मिली। आपको बता दें कि गोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य एजेंडा हरियाणा में नई भूमि अधिग्रहण कानून और केंद्र सरकार द्वारा MSP गारंटी कानून कमेटी बनाए जाने को लेकर देरी के साथ साथ भाखड़ा बांध में हरियाणा और पंजाब की सदस्यता को खत्म करना और जलभराव के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा और स्पेशल गिरदावरी को लेकर रहा। किसान महापंचायत में हरियाणा पंजाब के किसान संगठन के नेताओं ने भाग लिया। साथ ही किसान नेताओं ने मांग की है कि सरकार हमें स्पीकर एंटी कानून को लेकर भाग रही है, जिसको लेकर फिर से आंदोलन खड़ा करने को लेकर इस तरह की पंचायत की जा रही है। किसान नेता जगजीत दलेवाल ने कहा कि पंचायत का मुख्य एजेंडा हरियाणा की BJP सरकार ने बैकडोर से भूमि अधिग्रहण कानून किए जाने का विरोध को लेकर है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार अभी तक MSP गारंटी कानून को लेकर कोई पहल शुरू नहीं कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि MSP गारंटी कानून बने। हमारी सरकार से मांग है कि MSP गारंटी कानून जल्द से जल्द कमेटी बनाकर उसे MSP गारंटी कानून को बनाया जाए। आज की यहाँ महापंचायत है, जो इसमें मुख्य मांग रखी गई है कि हरियाणा के अंदर सरकार ने जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल उसको बैकडोर से पारित कर दिया है और उसके खिलाफ हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा वही है। दूसरे सभी जो बातें हैं, जैसे MSP की गारंटी के कानून की बात है, जो BBMB का मामला है, वो पंजाब और हरियाणा का अलग नहीं है, वो एक ही है। और ये भी बात है, जो इसको भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये पंजाब और हरियाणा का अलग मैटर है। ये भूमि अधिग्रहण करने के लिए लगातार सरकार मतलब प्रयास कर रही है और बैकडोर से बुला रही है। वहीं पंचायत में किसान नेताओं द्वारा चुनाव हारने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता आंदोलन को बीच में छोड़कर चुनाव नहीं लड़ते तो हम उनके साथ बाद में हो सकते थे, मगर वो किसान की लड़ाई बीच में चुनाव लड़ने के लिए गए। इससे लोगों ने उनसे किनारा कर लिया और उनसे नाराजगी भी थी। लोगों ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। वहीं UP में भी जिस तरह से चुनाव पर कर्मचारियों पर EVM बदलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, फिलहाल हमारा मुख्य एजेंडा यही है। जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसान एक साथ लड़ रहे हैं, MSP गारंटी कानून को लेकर सरकार को झुकने को मजबूर कर देंगे। उन्होंने एक जल्दबाजी की है, ये जल्दबाजी की वजह से ये हुआ है। अगर हम इसी उन्होंने ये आंदोलन जीत लेते, पूरी जीत के बाद अगर वो करते ये काम, हो सकता लोग उनको स्वीकार कर लेते, लेकिन अभी आंदोलन बाकी था, छोड़कर चले गए, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा नाराजगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया और आम आदमी पार्टी को लोगों ने पहल। अभिमन्यु कोहाल ने बताया कि किसान महापंचायत में हरियाणा और पंजाब के तमाम किसान नेता शामिल हुए। किसान महापंचायत का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा नई भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई है, उस कानून में किसानों की सहमति के बगैर उसके भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। वहीं MSP पर कहा कि जब तक करंट कमेटी नहीं बनाती, किसानों का विरोध जारी रहेगा। जमीन अधिग्रहण का कानून बनाया गया पिछले साल विधानसभा में, वो 3 कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई, जब जमीन ही नहीं बचेगी, जिस कानून के तहत जमीन छीन ली जाएगी और जमीन ही नहीं बचेगी, तो फिर ना तो MSP का फायदा रहेगा, ना फसलों की खरीद का फायदा रहेगा। तो इसीलिए जो ये जमीन छीनने वाला कानून है, जिस कानून में नियम बना दिया गया कि अब किसी किसान की कोई सहमति नहीं ली जाएगी जमीन का एक्वायरमेंट करते समय। किसान अन्य मुद्दों समेत MSP पर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों के इन मुद्दों पर क्या फैसला लेती है और MSP पर कब तक लिखित गारंटी देती है। गोहाना से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।